सामने रहता है फिर भी नहीं आता। अच्छा ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर। यस सर। यस सर जीएसटी क्लास है और जीएसटी में हम लोग सप्लाई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, याद है ना, कि बिना सप्लाई का गवर्नमेंट जीएसटी मांग ही नहीं सकता। जब तक सप्लाई नहीं प्रूव करता तब तक जीएसटी चार्ज नहीं हो पाता, इसलिए सप्लाई प्रूव करना जरूरी है। सर प्रूव कैसे करेगा, उसी के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी रिलेटेड सारा पॉइंट बता देता है, सेक्शन वाइज सारा पॉइंट बता देता है। इस पॉइंट को बताने के पीछे का रीजन क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट रूल में बता दिया लॉ के अंदर कि भाई हम लोग इस केस को सप्लाई मानेंगे। अब वो सारा केस आपको जानना चाहिए जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आप लोग सीएसईएससीए तीनों ही जीएसटी प्रैक्टिस करता है, जीएसटी का काम सबके लिए बोलवाला है, कैश काउ है, हर कोई कमाता है, समझ रहे हो सर, जीएसटी सभी के लिए बोलवाला चीज है। पहले सीए का थोड़ा मोनोपोली जा रहा था लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को सबको दे दिया, सब करो सब करो। जैसे जैसे इनकम टैक्स में काफी चीजों में सीए का थोड़ा मोनोपोली है ना, जैसे मानो इनकम टैक्स ऑडिट वगैरह में वो और कोई नहीं कर सकता, पर्टिकुलर एबी में वो सिर्फ यही कर सकता है, ठीक है, तो वो टाई अप करके कर लेते हैं, लेकिन करना तो सीए से ही है। लेकिन बाकी चीजों में जैसे जीएसटी वगैरह में ये सब चीज अभी सब नॉर्मल कर दी। अच्छा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, कहाँ गया स्क्रीन, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर। अभी हाँ सर। ओके सर, देखो तो हम लोग सेक्शन 7 में बात कर रहे थे है ना, तो सेक्शन 7 में बेसिकली स्कोप ऑफ सप्लाई में बात करता है। सेक्शन 7 किस में बात करता है, स्कोप ऑफ सप्लाई में। सेक्शन 8 किस में बात करता है, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसमें डिस्कशन करना बाकी है, डिटेल्स नहीं हुआ। शेड्यूल 1, ये तीन शेड्यूल बहुत वाइटल था ना सर, ये तीन शेड्यूल बहुत वाइटल था, मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ। आप लोग लिखे थे लास्ट दिन पॉइंट्स को, तीन शेड्यूल जो है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, इस तीनों शेड्यूल में ये चीज क्लियर करता है। एक बाद में तू मैट चेक कर लेना, अभी पढ़ ले, वही चीज निकाल रहा दर जरूर निकल, बाद में कर सकता है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट माइंड मत हो। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। नॉर्मली हम लोग ये चीज जानते हैं कि जब बदले में कुछ ना लो तो वो सप्लाई नहीं होता है, माने सिंपल बात है, आप दुकान में जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, बदले में आप उनको पैसा देते हो और वो आपको प्रोडक्ट देता है, इसको बोलते हैं समथिंग इन कंसिडरेशन, है ना, क्विड प्रो क्या बोलते हैं इसको, ये देख सर आप लोग लॉ भूल जाते हो, क्विड प्रो क्विड को, प्रो क्वो। वाह थैंक यू, ऑनलाइन में आया, चला क्विड प्रो को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा जाता है सर, पढ़े थे ना फाउंडेशन में, भूल जाते पास करें हो। इंटरव्यू में होता ना, इंटरव्यू इंटरव्यू में होता तो क्या बोलता, ऐसा पास का क्या मतलब। ठीक है जो भी हो, ठीक है सर, हो सकता है। तो क्विड प्रो क्वो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, माने है सब बात पे छोटी छोटी। हाँ छोटी छोटी चीजें बहुत वाइटल है, यूज भी बहुत होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज बहुत होता है क्विड प्रो को। तो क्विड प्रो को माने क्या है कि जब हम किसी चीज के बदले कुछ चीज ले, फ्री में नहीं होगा, हाँ कुछ फ्री चीज भी है जिसे सप्लाई माना जाता है उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा, लेकिन इन जनरली अगर कंसिडरेशन प्रूव होता है, माने भाई तुम चीज खरीदा बदले में पैसा दिया तुमको गुड्स मिला, तो उनके लिए पैसा हो जाएगा कंसिडरेशन, आपके लिए गुड्स हो जाएगा कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 क्या बोलता है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, माने एक्सेप्शनल केस हो, ये शेड्यूल 1 बोला। शेड्यूल 2 बोलता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस, माने नॉर्मल चीज है जो होना चाहिए वही शेड्यूल 2 में बोला है, माने सिंपल बात है, कंसिडरेशन होगा तो उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे, चाहे वो बदले में सर्विस हो या बदले में गुड्स हो। शेड्यूल 3, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस, माने नेगेटिव लिस्ट हो गए,
होगा सप्लाई, पर फिर भी उसको सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। आगे पॉइंट देखने से ही समझ में आएगा, थोड़ा रुक जा, ठीक है, एक एक करके एग्जांपल्स में आएंगे तो सारा खेल समझ में आएगा। कि ऐसा भी ट्रांजैक्शंस होगा, इस तरह का ट्रांजैक्शन जहां पर सप्लाई तो है पर उसे सप्लाई नहीं माने। क्या बोलते हैं पॉइंट सुनना, शेड्यूल थ्री बहुत वाइटल पॉइंट है। एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में रखना है कि शेड्यूल थ्री उस चीज के बारे में बात करता है जहां लेन देन तो होगा पर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं मानेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेगा। नहीं, गिफ्ट, हाँ गिफ्ट हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है सर्टेन लेवल तक। चलो मैं आपको एक एक करके लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, देख लो देख लो। एनालिसिस करना थोड़ा स्टार्ट कर दिए थे, है ना, कि क्या होता है सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड क्या है, सप्लाई एक्सक्लूड क्या है, ठीक है, ये सब बोले थे। फिर यहाँ पर हम लोग सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, हाँ ये सब बोल दिए थे। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है बोल दिया था। फिर ये वाला बोला था कि सेल क्या, मतलब बेसिकली सप्लाई क्या होता है, कितना तरह का सप्लाई होता है, सेल भी सप्लाई है, ट्रांसफर भी सप्लाई है, बार्टर भी सप्लाई है, एक्सचेंज भी सप्लाई है, लाइसेंस देना भी सप्लाई है, रेंटल देना भी सप्लाई है, लीज देना भी सप्लाई है, डिस्पोजल करना भी सप्लाई है ना। और सप्लाई हमेशा बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस समझते हो ना, हम अगर किसी चीज को कुछ किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं तो मेरा पर्पस उसको खत्म करना नहीं, कंज्यूम करना नहीं, जैसे उसको बिजनेस के काम पे लगाना। से फॉर एग्जांपल मानो मैं दर्श, मानो कैलकुलेटर का बिजनेस करता है, तो मैं दर्श से कैलकुलेटर लेके अपने पर्पस में यूज नहीं करूंगा उसको, उल्टा मैं किसी और को उसको बेचूंगा। ये चीज होता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो कंज्यूम कर लेता है वो कस्टमर होता है, और जो नॉर्मल खरीद के वो भी कस्टमर है बट वो बिजनेस कस्टमर है, बी टू बी, हाँ, रिटेलर मैन्युफैक्चरर के साथ होलसेलर का रिश्ता, होलसेलर के साथ रिटेलर का रिश्ता, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन रिटेलर के साथ कस्टमर के रिश्ता में रिटेलर बिजनेस कर रहा है बट कस्टमर तो नहीं बिजनेस कर रहा है ना, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कस्टमर नहीं कर रहा है, इसलिए कस्टमर से कभी जीएसटी नहीं मांगा जाता, मैंने फाइलिंग नहीं मांगा जाता जीएसटी। अल्टीमेटली सारा पैसा कस्टमर ही भरता है, बलि का बकरा वही बनता है, उसको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता, सारा पैसा उसी को देना पड़ता है, तो ये चीज समझना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कस्टमर को बोलेगा आप रिटर्न फाइल करो, नहीं नहीं ये सब कस्टमर के लिए नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को सेल और ट्रांसफर को समझाने के लिए कुछ इजी इजी एग्जांपल्स दिया, याद है, शॉपकीपर पेन सेल किया, कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपोट फॉर सेल पर्पस, दिस इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज नॉट येट टेकन प्लेस, है ना। फिर मैंने बार्टर के बारे में भी बात किया था, है ना, याद आ रहा है सर सबको। फिर लाइसेंस लीज के बारे में तो बात हुआ था, कंसिडरेशन पे शायद थोड़े डिटेल्स में बातचीत करना पड़ेगा। ऐसे कंसिडरेशन में बोला था कि कंसिडरेशन क्या होता है, ये भी तो बोला था, भूषण डोनेटेड ए ब्लैक बोर्ड टू योगानिष्ठ संस्थान, चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशंस है, और योगानिष्ठ संस्थान ने प्रिंटेड किया था ब्लैक बोर्ड जो उन्होंने डोनेट किया था, और उस पर लिखा था गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं था, मैंने किसी ने किसी जगह में कुछ डोनेट किया तो डोनेट किया तो बदले में क्या मांगेगा, अगर तुम बदले में मांग रहे हो तो वो डोनेट है क्या। काफी लोग क्या करते हैं कि ठीक है इसमें ये इसमें मैं इसको मैं कर दूंगा पर बदले में मेरा एडवर्टाइजमेंट चाहिए। अगर तुम किसी चीज में कहीं पर कुछ दे रहे हो और बदले में अपना एडवर्टाइजमेंट मांग रहे हो उसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं, उसे डोनेशन नहीं कहते, या फिर कोलाबोरेशन कहते हैं। डोनेशन मैंने दिल से, और बदले में नाम भी नहीं चाहिए, बदले में नाम भी नहीं चाहिए। अगर नाम के बदले भी डोनेट कर रहे हो ये धार्मिक बात हो गया, ठीक है। अगर नाम के बदले भी कोई डोनेशन दे रहा है ना वो डोनेशन का भी कोई काम का चीज नहीं। डोनेशन के बारे में कहा जाता है स्पिरिचुअल बातें हैं कि भाई जब तुम किसी को कुछ डोनेट कर रहे हो, देखना घर के बड़े लोग कई बार ये चीज बोलते हैं कि अगर किसी को कुछ चीज तुम दे रहे हो तो अगर तुम दे के बोल रहे हो देखो मैंने दिया, अगर तुम ये बात करो तो देखो मैंने दिया, और ये चीज तुम दुनिया को ढोल पिट रहे हो कि मैंने ये भगवान को, हम लोग होते हैं ना भगवान को सोना का चद्दर दे दिया या सोना का हार पहना दिया या मुकुट पहना दिया, और दुनिया को बोलता रहता है ये मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, दिस इज नॉट डोनेशन। यार एक सच बताओ, स्पिरिचुअलिस्ट वे में ये जो दान है ना, स्पिरिचुअलिस्ट वे में ये दान भगवान मानते भी नहीं है, वो सिर्फ भक्ति देखता है,
अगर तुम्हारे देने का औकात कुछ ना हो, सिर्फ मन में भक्ति हो, वही पूजा होता है। सर साधु बन जाओ। देखो तो यहाँ पर भूषण का जो ये डोनेशन था ब्लैक बोर्ड टू योगानिश संस्थान, जो चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन है, ये चैरिटी करता है। तो योगानिश संस्थान प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड, उसने अपने तरफ से किया कि भाई हमें इनके तरफ से मिला है, तो वो अपना एक दिया। लेकिन इसमें कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगा, पॉइंट इज दैट। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोला है सर, देयरफॉर देयर इज नो जीएसटी लाइबिलिटी ऑन सच पेमेंट मेड। क्या बोलता है देखो, ध्यान से देखना पॉइंट क्या है, रूल बताता क्या है, जीएसटी में क्या कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। व्हेन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रिसिप्ट इंस्टीट्यूशंस प्रीमाइसेस इन सच ए मैनर व्हिच कैन बी सेड टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पब्लिक रिकॉग्निशंस ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलान्थ्रोफी। फिलान्थ्रोफी समझते हो ना, फिलान्थ्रोफी माने क्या होता है, माने जब आप क्या बोलते हैं इसको, माने इसको हिंदी में क्या बोलेंगे फिलान्थ्रोफी को, चैरिटेबल काम ही होता है फिलान्थ्रोफी। जैसे मानो, हाँ, नहीं, इट्स अ गुड वर्ड, फिलान्थ्रोफी करना बहुत बड़ा है, नॉर्मली कॉर्पोरेट करता है फिलान्थ्रोफी generous to the poor, हाँ बोलो क्या, generous to the poor, जेनरस टू द पोर, हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो। मैंने बेसिकली कॉर्पोरेट क्या करता है, मानो कहीं पर कोई स्कूल नहीं है, वहां पर स्कूल बना दिया, जैसे टाटा कंपनी करते हैं ना, रिलायंस भी करते हैं, रिलायंस स्कूल वगैरह बनाने में उतना काम नहीं, रिलायंस का मेन काम करते हैं, रिलायंस फाउंडेशन बोल के है, वो स्पोर्ट्स का काम करता है। जैसे मानो ये जो फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर रिलायंस का बहुत फोकस है। चैरिटी डे पर हाँ इट्स अ चैरिटी, इट्स अ चैरिटी, हाँ मानव प्रीति, हाँ मतलब ह्यूमन कॉज में काम करेगा, इट्स अ ह्यूमन वेलफेयर, दिस इज कॉल्ड फिलान्थ्रोफी। तो ऐसे देखना, जब भी कहीं पर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से कुछ दिया जाता है तो लिखता है फिलान्थ्रोफिक पार्टनर, फिलान्थ्रोफिक पार्टनर माने वो 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ खर्चा किया है, खर्चा करके उस चीज को बनाया। ऐसे टाटा बहुत करता है, टाटा तो जहां पर भी मन उसका जगह मिलता है, टाटा जैसा बिजनेसमैन नहीं है, मैंने नॉर्मली ऐसे बहुत लोग करते हैं, टाटा बहुत करता है, जहां पर वो स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल्स बनाएगा, ठीक है, कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल जो इंडिया में सबसे बड़ा है टाटा का ही तो है, मतलब अगर कंपनी की तरफ से देखा जाए, ठीक है। रिलायंस स्पोर्ट्स में काफी काम करते हैं, इवन गांव गांव में जाके फुटबॉल के लिए ग्राउंड बना रहा है, वहां से टैलेंट निकाल रहे हैं। ये जो आज इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल जो इतना पॉपुलर हो रहा है डे बाई डे, इसके पीछे रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है, और स्पेशली आईपीएल से जो उनको पैसा मिलता है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो नीता अंबानी, उनका मतलब मुकेश अंबानी का जो वाइफ है वो देखते हैं, और उसका बेटी ईशा अंबानी डायरेक्टर है रिलायंस फाउंडेशन का। ये लोग कमाते भी है देता भी है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं रखता, देता बहुत है। और एक का नाम लेना पड़ेगा, विप्रो, अजीम प्रेम जी। विप्रो का नाम तो सुने हो, विप्रो का जो अजीम प्रेम जी है, है। हाँ विप्रो आईटी कंपनी है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चीजों पे भी विप्रो बहुत पॉपुलर है, इधर कम चलता, हाँ इधर कम चलता है, साउथ इंडिया में बहुत चलता है विप्रो। विप्रो स्कूल बनाता है सर, एडुकेशन के लिए बहुत काम करता है, बहुत फ्री में बच्चे, मतलब वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाता है फ्री में, वहां पर बच्चा लोग पढ़ता है, गांव का बच्चा लोग पढ़ता है, ये सब हमारे इधर कम है, बहुत कम है, वेस्ट बंगाल में बहुत कम है। वेस्ट बंगाल कोलकाता प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर तुमको सरकारी हॉस्पिटल सुविधा मिलेगा ही नहीं, और जो हालत है वहां पर नॉर्मल बंदा जाएगा तो और बीमार पड़ जाएगा। नहीं सीरियसली, वेस्ट बंगाल का डे बाई डे डिटोरिएशन हो रहा है, ये बात मैं बोलूंगा एज ए बंगाली, मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का मेरा पैदाइशी है, ये मिट्टी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ का हर चीज मैं समझता हूँ, हर इंसान को मैं जानता हूँ, देख के समझ समझ सकता हूँ कौन से जिला से है, इतना नॉलेज है मेरे को, ठीक है, मतलब मैं इसको जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाषा सुन के समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ का हो सकते हो, हाँ ठीक है, तो मैं जानता हूँ इस जगह। लेकिन कोई बार कोई बंगाली खुद में क्या होता है ना, मैं बहुत बंगाली स्टूडेंट पढ़ा है, दादा आप खुद बंगाली हो के बंगाल का खराब ही बहुत, अरे भाई जो सच्चाई है वो बताने में प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल लोगों को अपने देश के बारे में खराब बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता भाई, लेकिन बुराई है तो करना पड़ेगा, अच्छाई भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं अच्छा नहीं बोलता। चलो ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि अगर वहां पर
फिलान्थ्रोफी हो रहा है, ठीक है, एंड इट इट इज नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर. फिलान्थ्रोफी कर रहा है मैंने पब्लिक ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहा है, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ठीक है. In such a manner that it would be an advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply of service for the payment in the form of donation. In other words, there is no obligations. माने quid pro, देखो लिखा है ना, ठीक है, quid pro को माने something in return. माने मैं यहाँ पर donate करूँगा पर बदले में मेरे को यहाँ पर जगह चाहिए, ठीक है. मैं मंदिर को donate करूँगा लेकिन मेरे को बदले में यहाँ पर एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं corporate office बनाऊँगा. ये कोई बात नहीं, ये कोई डोनेशन नहीं. वन पार्ट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग और सप्लाई ऑफ सर्विस, देयरफॉर देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन सच पेमेंट. अगर बिजनेस मैटर आ जाता है ना, क्विड प्रो को आ जाता है, तो फिर वो जीएसटी लायबिलिटी में आ जाएगा. नेचर को समझना पड़े, नेचर को समझना पड़े, समझे सर. यहाँ पर दुर्गा देवी का भी केस देखो, लास्ट दिन भी इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़े थे. श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर. द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स. होता है ना, जैसे मारवाड़ी लोगों में धर्मशाला बहुत होता है ना, है ना, तो ये धर्मशाला भी चैरिटेबल पर्पस में होता है. तुम जिधर जाओगे, जो भी तीर्थ स्थान में जाओगे, ये भी बोलना चाहिए. बड़े बड़े कॉर्पोरेट का नाम लिए, मारवाड़ी लोगों का भी ये बोलना चाहिए. जैसे सिख लोगों में जैसे लंगर खाना का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहां देखो लंगर खाना लोगों को इतना खिलाएगा कि कोई भूखा नहीं मिलेगा. ऐसे कहा जाता है कि अमृतसर में कोई भूखा नहीं रह सकता, रहता भी नहीं है. इवन रिसेंटली अयोध्या में जो सबसे बड़ा लंगर है वो भी सिख लोगों का ही खुला है, ये भी जानना चाहिए, ठीक है. राम मंदिर जहां बना है सर, सबसे बड़ा लंगर, सबसे पहले सिख बोला कि हम वहां पर लंगर खोल, ठीक है. तो ये भी एक बहुत बड़ा फिलान्थ्रोफिक काम है, लेकिन हाँ ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से होता है. मारवाड़ी लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लोग बिजनेसमैन की तरफ से धर्मशाला खोलते हैं, कम्युनिटी की तरफ से. जहां जाएगा इनका लोग, कोई भी रह सकता है धर्मशाला में, एक मिनिमम पैसा देके 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया देके तुम वहां पर जाके धर्मीय स्थान पे, तुम जहां पर स्पिरिचुअल जर्नी करने जाओगे तुमको हर जगह में धर्मशाला दिखेगा. ऑब्वियसली मारवाड़ी बनाता है तो नो डाउट है कि मारवाड़ी कम्युनिटी पहले जाने का एक मौका चाहते हैं, लेकिन कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं. तो ये चीज, तो ये भी तक फिलान्थ्रोफी हुआ ना. तो ये जो यहाँ पर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रूम माने क्या, उस तरह का धर्मशाला टाइप, इसलिए मेरे को याद आया, ठीक है. अबे जिस कम्युनिटी का जो है वो बताना पड़ता है, जो दिखता है. सर बंगाली क्या करता है, सिर्फ खाता है जाके? नहीं सर, बंगाली का एक सबसे बड़ा चीज है कि ये लोग आजकल क्या है, नाम खराब हो गया, बट पहले ना बंगाली जहाँ भद्रो एडुकेटेड, ठीक है, शिक्षा देगा लोगों को, इस चीज के लिए जाना जाता है. अभी छोड़ दो, जो भी हो. The temple trust constructed a room in the temple complex from such donation and wrote donated by Srimati Durga Devi in the memory of her father on the door of the room. In above example, it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised. Thus, GST is not levable where all the following three conditions are satisfied. Yaad rakhna, jahan par gift or donation is made to charitable organizations, wo GST liability mein nahi aata. Payment has the character of gift or donations. Purpose is philanthropic, that is, it leads to no commercial gain and not advertisement. याद रहेगा? हो सके तो please point को note down. ये तीन point. ये तीन point किसके साथ? ये जो main point है. The GST is not levable where all the following three conditions are satisfied. Sir, बोलो आप लोग भी. मैं जात पात तो करता रहता हूँ, आप लोगों को पता है, समझाने के लिए रे बाबा, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं. एग्जाम्पल देता हूँ. यस सर. क्या गाय भी कर दे यार? नहीं नहीं, वो इन लोगों को पूछ रहा था कि मेरे क्या सर फालतू में आप जात पात बंगाली मारवाड़ी करता रहते. खुला बोलता हूँ सर, उतना क्या, जो है दिखता है बोलता रहता हूँ. हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, खुल के बोलो, डर खत्म हो जाएगा. खुल के नहीं बोलता है इसलिए तो लोग, हाँ, बुराई तो नहीं कर रहे, देश की अच्छाई के बारे में बात कर रहे. नहीं तो कोई लोग कभी भी सोचता है क्या सारा दिन जात पात.
नहीं, इस तरह से क्या होता है ना, आप लोगों को नेचर भी समझ में आता है देश के बारे में, काफी समझ आता है। ये सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप लोग? ये वाला पॉइंट लिखो, स्पेशली दिस वन, याद रखने के लिए कि अगर गिफ्ट और डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हो तो जीएसटी नहीं है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो जो गिफ्ट और डोनेशन में है तो जीएसटी नहीं है। पर्पस अगर फिलान्थ्रोपिक है, माने मानवीय पर्पस, मानवीय माने ह्यूमैनिटीज, सलमान खान का बिग ह्यूमन क्या है? हाँ प्राइम नहीं, फिलान्थ्रोपी है, असल बेग भी क्या इतना महंगा है। महंगा में बिकता है। हाँ मेरे उसपे एक गार्ड होल्डर है, अच्छा 4-5 फुट का छोटा सा चीज होता है, छोटा सा गार्ड होल्डर इतना था, वॉलेट भी नहीं जा रहा कुछ। कपड़े देखे उसके सिटी सेंटर रूम में कितने महंगे हुए, और महंगे में बिकता है तो दिख रहा है ये किराना से भी नहीं दिखते। फिर वो फिलान्थ्रोपी नहीं है। बिजनेस सर, बिजनेस प्रॉफिट भी लेता है ना। हाँ, अगर बिजनेस कर रहा है तो इट्स ओके, लेकिन वो कहते हैं कि उस पर्टिकुलर चीजों को, एक्चुअली ये भी पॉइंट है, मानो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस करके सलमान खान उस चीज को खर्चा फिलान्थ्रोपिक पर्पस में कर रहा है, लेकिन बीक तो रहा हूँ। ठीक है? तो अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है कि डायरेक्टली अगर आपका खर्चा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, डायरेक्टली अगर आपका खर्चा फिलान्थ्रोपी में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जीएसटी नहीं है। लेकिन मानो जैसे सलमान खान का बिग ह्यूमन, जैसे सलमान खान का बिग ह्यूमन, अब बिग ह्यूमन का प्रोडक्ट मार्केट में एक्सपेंसिव दाम में बिकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, माने बिंग ह्यूमन खुद एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, इस पे मिला हुआ सारा खर्चा सलमान खान डोनेट करता है, गरीबों में बांटते हैं उनके सुख मानवीय पर्पस पे। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या बिंग ह्यूमन का प्रोडक्ट को जीएसटी लाइबिलिटी से छुटकारा दिया जाए? द आंसर इज नो, नहीं दे सकते, क्योंकि आपका आपका इनिशियल कॉस्ट तो प्रॉफिट मेकिंग है ना, उसके बाद आप डोनेट कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आपका इनिशियल पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है तो फिर आप जीएसटी से छुटकारा नहीं पा सकते, समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको और एक बता सकता हूँ, काफी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिर से आप बोलोगे कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी नहीं, जैसे मानो मैं इनका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, इनका प्रोडक्ट भी यूज करता हूँ, ईशा आदि योगी जानते हो ना आप लोग, वो जो कोयम्बटूर में बना है, आजकल दुर्गा पूजा में काफी पंडाल बना है आदि योगी, है ना? ये ईशा कोयम्बटूर, ईशा माने ईशा योगा सेंटर बोल के, कोयम्बटूर में एक बहुत फेमस योगा आश्रम बना है, जा सकते हो, यहाँ पर शिव जी का ये वाला देखे होंगे आप लोग टीवी वगैरह में, ठीक है? सो ब्यूटिफुल, ठीक है, बहुत ब्यूटिफुल है, स्पिरिचुअल एक जर्नी की तरह आप इसको ले सकते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन ये चलाते हैं, इनका नाम है सदगुरु, ठीक है? काफी नॉलेजेबल पर्सन है, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं लोगों को, लेकिन इनका एक कंपनी भी है ईशा लाइफ, ठीक है? कंपनी का नाम है ईशा लाइफ, मैं इनका प्रोडक्ट भी कभी कभी यूज करता हूँ हेल्थ पर्पस के लिए, ठीक है? और तो काफी लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इस पर्पस में क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप एक तरफ बोल रहे हो कि अरे बहुत शिव जी का डमरू चालू हो गया, ठीक है? तो एक तरफ आप बोलते हो कि आप स्पिरिचुअल काम करते हो, लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि स्पिरिचुअल काम करते हो तो फिर इतना पैसा क्यों लेते हो? प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रहता है, और इनका मैक्सिमम जो ईशा लाइफ का जो प्रोडक्ट है ये ज्यादातर फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है, इंडियन प्रोडक्ट सारे के सारे, ठीक है? और इनका मैक्सिमम फॉलोअर भी फॉरेनर है, इंडियन फॉलोअर भी बहुत है, साउथ इंडियन पूरा फिल्म इंडस्ट्री इनका फॉलोअर है, सामंता रुथ प्रभु से लेके जितना भी साउथ का फेमस फेमस हीरो हीरोइन है सारे के सारे इनका फॉलोअर है, ठीक है? सदगुरु ये अब देखो, देखे होंगे सर, इनका एक सबसे फेमस जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा हाँ लंबा दाढ़ी है ये, इनका एक सबसे फेमस जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ये एक काम कर रहा है, सेव सॉयल बोल के एक प्रोग्राम चलाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के लिए, सेव सॉयल प्रोग्राम। और ये सेव सॉयल प्रोग्राम के थ्रू से मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको बात, सब कनेक्टेड टू जीएसटी है, मैं आपको यहाँ पर किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, विथ ऑल रिस्पेक्ट, सीरियसली, कोई किसी का ना तो एडवर्टाइजमेंट है ना तो किसी का घूमना, लेकिन
फेमस पर्सन है इसलिए आपको समझने में सुविधा होगा। इनका जो सेफ सॉइल मूवमेंट है ये एक चैरिटेबल काम, ठीक है, ये इनका एज है अप्रोक्स 70 के आसपास। ये जो सदगुरु का आपने देखा, इनका एज है अप्रोक्स 70 के आसपास, और इन्होंने पूरा वर्ल्ड बाइक में राइड किया। BMW का एक बाइक है, उनको उनके ही सब शिष्य ने मिलकर डोनेट करके दिया, एक्चुअली कंपनी की तरफ से शायद इनको मिला होगा या खरीद भी सकता है, जो भी हो। इन्होंने पूरा दुनिया यूरोप से लेके इंडिया मोर देन 60,000 किलोमीटर, ठीक है, उस बाइक से राइड किया अप्रोक्स 70 के एज। इट्स नॉट अ जोक, चाहे बाइक का दाम कितना भी, ठीक है। और जहां जहां गया हर जगह के गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया, क्योंकि सॉयल में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं केमिकल यूज हो रहा है, इसका कॉन्सियसनेस बढ़ाने का काम करे ताकि अगला प्रजन्म जो है नेक्स्ट जनरेशन को खाना नहीं मिलेगा। इवन पद्मश्री भी मिला इस काम के लिए इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसान है इंडिया के लिए, इसलिए बता रहा हूं अब। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है काफी महंगा बिकता है, इवन इंक्लूडिंग GST बिकता है, ठीक है। अब पॉइंट है कि कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एक तरफ बोलते हो आप तो ये स्पिरिचुअल ये करते हो वो करते हो तो फिर GST काहे लेते हो। ये खुला बोलते हैं कि भाई मैं स्पिरिचुअल जर्नी लोगों को सिखाता हूं, लेकिन मैं बदले में पेमेंट लेता हूं और वो पेमेंट मैं अपने संस्था को चलाने के लिए यूज करता हूं। तो संस्था चलता है रिलीजियस एक्टिविटीज है, चैरिटेबल एक्टिविटीज है, लेकिन उसका जो इनिशियल पर्पस है वो प्रॉफिट मेकिंग है, नहीं तो संस्था चलेगा कैसे। 28 लाख का, जो भी हो, बात समझ में आ रहा है सर। तो इसीलिए इनका प्रोडक्ट अगर तुम ईशा लाइफ में जाके देखोगे काफी अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए इतना महंगा है और साथ में GST भी लगता है। GST में कोई छूट नहीं है, तो गवर्नमेंट इनको भी नहीं छोड़ा भाई, लेकिन ये काम करते हैं स्पिरिचुअल पर्पस में, लेकिन नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि इनिशियल पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है, सेकेंडरी पर्पस चैरिटी है। हाँ, चैरिटी करता है, कितने ब्राह्मण को खिलाते हैं जो माने क्या बोलते हैं उनको, गरीब पोर लोगों को खिलाता है, रेगुलर खिलाते हैं, जैसे लंगर होता है वैसा ही। आनंदम बोलते हैं यहाँ पर, मैं गया हूँ आश्रम में रह के आया, ठीक है, तो मैं देखा हूँ काफी लोगों को भर भर के, गांव का लोग तो भर भर के खाता है, डेली 2 बार खाना फ्री, कोई भी जाएगा फ्री 2 टाइम। तो इतना बड़ा चीज चलाने के लिए पैसा तो चाहिए भाई। तो इनका सेकेंडरी काम रिलीजियस एक्टिविटी में या चैरिटेबल एक्टिविटी में जा रहा है, लेकिन इसका प्राइमरी काम प्रॉफिटेबल है। समझ में आ रहा है सर? तो इसलिए उसमें गवर्नमेंट भी इनको छोड़ेगा, ठीक है। तो ये सब समझाने का मतलब क्या हुआ, आपको थोड़ा नॉलेज भी मिल गया और क्या हो गया, इमेजिनेशन मिल गया, ठीक है, कि सर पढ़ाने के टाइम पे इनके बारे में बात किया था। अच्छा, किताबी एग्जाम्पल पढ़ पढ़ के क्या है ना, इंसान का माथा खराब हो जाएगा, वास्तव में देख लेगा तो थोड़ा सुविधा होगा। अच्छा, ये एक पॉइंट देखो, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट ए सप्लाई, एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। माने आप में से कोई आर्ट है, आर्टिस्ट है, माने अच्छा आर्ट करते हो। अभी एक फाउंडेशन का लड़का आया था, आर्ट करते हो, ड्राइंग करते हो, स्केच बनाते हो, चलो अब मानो कि अपना दर्शप्रीत अच्छा स्केच आर्टिस्ट, ठीक है, तो अच्छा स्केच करके ये अपना स्केच को कहीं पर एग्जीबिशन में देता है, कभी दिए हो सर? मानो कि कोई कॉन्फिडेंस है, हाँ देता है, तो मानो कि आपका स्केच आप आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन में दे रहे हो, ठीक है। अब ये भी तक ट्रांजेक्शन है, आपका स्केच आप एग्जीबिशन हॉल में लगा रहे हो, ये भी तक लेन देन हुआ, लेकिन ये स्केच एग्जीबिशन हॉल में लगाने के लिए आपसे गवर्नमेंट GST नहीं लेगा। लेकिन जब यहां से आपका आर्ट सेल होगा तब गवर्नमेंट आपसे GST लेगा। दोनों पॉइंट को समझना, इसलिए क्या बोला, आर्ट वर्क सेंड बाय द आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट ए सप्लाई, इसलिए उस पर GST नहीं लगाया जा सकता, एज नो कंसिडरेशन फ्लोस, क्योंकि जब आप अपने एग्जीबिशन पे दे रहे हो उस पर कौन सा आपको कंसिडरेशन में कुछ मिल रहा है, आप तो बस डिस्प्ले कर रहे हो, बदले में तो आपको कुछ मिला नहीं। अगर सेल होगा तो फिर लगाएंगे GST। इट इज ऑनली वेन बायर सिलेक्ट ए पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड टू द गैलरी टू द एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस एंड एप्लीकेबल GST वुड बी पेएबल एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई। बात समझ में आ रहा है? तो यही इसको बोलते हैं इवेंट, मैंने आपको प्रैक्टिकली ये सब बात समझना पड़ेगा कि किस केस में क्या होता है, ठीक है, ये सब
देखो बात सुनने में किताबी है, बट क्या ये किताबी बात है? आप लोगों को बताओ, ऐसे देखा जाए तो ये लॉ है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। काफी लोग मुझे बोलते हैं सर बहुत पढ़ना पड़ता है। अरे क्या पढ़ना पड़ता है, आपको बस जानना पड़ता है, पढ़ना कहाँ पड़ रहा है। यू हैव टू नो दीज थिंग्स कि गवर्नमेंट किस चीज के लिए क्या बना के रखा। यहाँ एक पॉइंट दिया है कि नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन लियू ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय द सेड इंश्योरेंस कंपनी टू द। कॉन्सेप्ट क्या है? द इश्यू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वॉज वेदर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस अलाउड बाई द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाई द इंश्योर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई प्रोवाइडेड बाई द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने बेसिकली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब ये है सर कि कहीं पर क्या होता है, किसी का कुछ इंश्योरेंस क्लेम होता है। इंश्योरेंस क्लेम माने मानो आप प्रीमियम भरते रहते हो, और आपका प्रीमियम भरते भरते जैसे मानो सिचुएशन आ गया जिसके लिए प्रीमियम भर रहे थे, वो सिचुएशन आ गया, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम का इंश्योरेंस हो सकता है, वो सिचुएशन आ गया। तो क्या कहते हैं, द इश्यू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वॉज वेदर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस, उसको बोलते हैं एनसीबी, माने आपको बोनस मिलना था बट वो क्लेम नहीं किया जा रहा है, नो क्लेम बोनस अलाउड बाई द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द इंश्योर्ड, मतलब जिसका इंश्योरेंस है वो अपना प्रीमियम भरा है, जिसका इंश्योरेंस है वो अपना प्रीमियम भरा है कि भाई मेरा इंश्योरेंस है मैं प्रीमियम भर रहा हूँ। तो क्या वही बात कर रहा है कि अलाउड बाई द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाई द इंश्योर्ड, मतलब जिसका इंश्योरेंस हुआ है, कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, उस प्रीमियम को कंसिडरेशन माना जा सकता है फॉर द सप्लाई प्रोवाइडेड बाई द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम। माने मैं प्रीमियम भर रहा हूं पर बाद में जब मेरा प्रीमियम का कोई क्लेम आएगा तो मैं उससे क्लेम कर सकता हूं। तो क्योंकि यहां पर अगर क्लेम उठता है तो फिर उसको सप्लाई माना जा सकता है। तो प्रीमियम उस पर जीएसटी लगेगा। उसको सप्लाई माना जा सकता है। तो एज पर प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर्स, ये थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल मैटर, इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्या होता है उसको जानना पड़ता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। एज पर प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर्स द इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट, वो प्रीमियम अमाउंट से उसको डिडक्ट करता रहता है। व्हेन नो क्लेम इज मेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस इंश्योरेंस पीरियड द कस्टमर्स और इंश्योर्ड प्रोक्योर्स इंश्योरेंस पॉलिसी टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई माने जिसको क्षतिपूर्ति, माने क्षतिपूरण दिया जाता है, क्षतिपूरण है बाबा, उसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, ठीक है, हाँ, इंडेमनिफाई माने क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूरण के हिंदी ते बोले क्षतिपूर्ति, ये लोग भी नहीं जानता था। तो क्या बोलते हो, क्षतिपूरण को क्या बोलेंगे, लॉस को अगर कोई भरपाई कर रहा है उस चीज को क्या बोलेंगे, हाँ? भरपाई करना बोलता है, ये वर्ड का उसका भी यही होता है, चुकता करना, चुकता तो नहीं होगा, था जो भी हो, पॉलिसी टू इंडेमनिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉस और इंजरी एज पर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी एंड इट इज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग एनी पीरियड कवर्ड अंडर द पॉलिसी। सो इट इज देयरफॉर क्लेरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू द रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एनसीबी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन फॉर एनी सप्लाई। माने बेसिकली अगर नो क्लेम बोनस है तो नो क्लेम बोनस, मैंने बोनस हम क्लेम नहीं कर रहे इंश्योरेंस कंपनी से, तो अगर नो क्लेम बोनस है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर नो क्लेम बोनस है तो सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर सप्लाई नहीं मानेंगे तो फिर जीएसटी भी चार्ज नहीं। एट द एंड ऑफ द बात बस इतना सा है कि अगर सप्लाई नहीं है तो फिर जीएसटी नहीं, ये बात समझना पड़े, ठीक है, कि मतलब हम लोग कई बार सोचे ना जीएसटी लगाए कि ना लगाए, ठीक है, ये सारा खेल का एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे और भी केस स्टडीज एग्जांपल करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है सर कि इन दी, ये था अभी हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे, कंसिडरेशन के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, है ना, तो जीएसटी होने के लिए कंसिडरेशन होने का जरूरत होता है, और जहां पर कंसिडरेशन नहीं है वहां पर
जीएसटी नहीं है। तो यहाँ पर देखो तीन चार दिया था, एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग थ्री सिनेरियोस, डोनेशन रिसीव्ड इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्विड प्रो को विदाउट क्विड प्रो को, आर्टवर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज और एग्जीबिशन, एंड नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। ये सभी केस में जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है कि कंसिडरेशन जैसा दिख रहा है पर वो कंसिडरेशन में अकाउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कंसिडरेशन रिलेटेड चीजों को देख, अब बात करते हैं सर हर्डरेंस ऑफ बिजनेस, ये क्या चीज है, यानी क्या बिजनेस हो रहा है या नहीं, बिजनेस हो रहा है या नहीं, इस रिलेटेड केस स्टडीज भी करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सर बिजनेस क्या होता है, ये जो बात कहा ना, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जीएसटी एप्लीकेबल होने के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ये बात तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पता है। तो जीएसटी एसेंशियली टैक्स ओनली ऑन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, मैंने जब बिजनेस होता है तो जीएसटी लगता है, hence only those supplies that are in the course of furtherance of business qualify as supply under GST. ये बात भी normal बात है। Now resultantly any supply made by an individual in his personal capacity do not come under ambit of GST. अगर कोई personal capacity में कुछ supply कर रहा है business के लिए नहीं, individual level पे, तो हम उसको business नहीं बोलेंगे। Personal capacity in the sense, जैसे मानो मेरे को किसी के साथ business नहीं करना है, जैसे ऐसे ही हम किसी को कुछ दे रहे हैं, इट्स नॉट अ बिजनेस, बट ये मेरा रेगुलर काम नहीं है। पर्सनल कैपेसिटी में हम किसी को कुछ, जैसे दोस्तों के बीच में चलता है ना, हाँ ठीक है हमको दे दे इतना है, ये है वो है, हाँ समथिंग लाइक, तो ये पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ आ रहा है तो फिर वो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में क्या बोलते हैं, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन द कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। In order to understand the term in the course of furtherance of business, we need to understand the term business first. और business के बारे में GST में two sections, subsection 70 में को कहा गया, what is business? आप चाहो तो इस business point को short में note down कर सकते हो। What is business? Business में क्या क्या include होता है? देखो business कितना बड़ा चीज है, आप लोग सिर्फ सवाल business करते हैं, क्या business? देखो business मैंने क्या बोल रहा है, कितना बड़ा definition दिया है section 2 subsection 17 में, बोलते हैं कि बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, बिजनेस इंक्लूड एनी कॉमर्स, बिजनेस इंक्लूड एनी मैन्युफैक्चर प्रोफेशन एटसेट्रा, इवन इफ देयर इज नो पिक्यूनरी बेनिफिट, पिक्यूनरी बेनिफिट माने अगर उसमें कुछ बेनिफिट ना भी हो, नॉर्मली बिजनेस लोग बेनिफिट के लिए करते हैं, यहाँ पर तीन बात है, ट्रेड बोला, कॉमर्स बोला, मैन्युफैक्चर बोला, तीनों का डिफरेंस बता सकते हो? कॉमर्स क्या होता है पहले ये बताओ, कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस टू कस्टमर, इस चीज को कॉमर्स बोलते हैं, और बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू बिजनेस, इस चीज को कॉमर्स बोलते हैं। ये नील ने बताया प्रोफेशन माने एनी काइंड ऑफ प्रोफेशंस, लाइक जैसे कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अब एज ए प्रोफेशन इंजीनियर भी एज ए प्रोफेशनल, कंसल्टिंग टीचर, डॉक्टर, कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है, even if there is no pecuniary benefit, हर चीज को business के because business and profession word एक साथ आता है, इसीलिए तो income tax में business and profession एक साथ है, PGBP बोल के एक chapter है ना, तो वो profession को business के साथ ही लेते हैं, क्योंकि वो भी तो profit के लिए होता है, business दिया ना, तो वहाँ पर क्या होता है, profession में क्या होता है, तुम्हारे अंदर कुछ skill होता है, कुछ skill service, है ना, obviously ना, जैसे मान के एक lawyer, एक company secretary in practice, या chartered accountant firm in practice, ठीक है, टीचर का देखो प्राइवेट कोचिंग के बारे में गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, गवर्नमेंट कोचिंग में, गवर्नमेंट में जो टीचर है वो तो सैलरी में, लेकिन हाँ अगर कोई प्राइवेटली कोचिंग करा रहा है, ऑब्वियसली बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस है, या प्रोफेशन में भी डाला जा सकता है क्योंकि सर्विस देता है तो प्रोफेशन, लेकिन जब कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेटअप के थ्रू से किसी को कुछ दे रहा है, जैसे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, अब आप लोग अपने एंगल से सोचो, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हो सकता है, एक प्रैक्टिसिंग सीएस हो सकता है,
प्रैक्टिसिंग मैंने आप अपना खुद का फार्म ओपन करके कर रहे हो, इंस्टीट्यूट का लाइसेंस लिया सीएससीए सीएमए का और अपने फार्म से कर रहे हो, तो आप लोग प्रोफेशन कर रहे हो, अपने डिग्री को यूज करके आप अपना प्रोफेशन कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, टैक्स का काम कर रहे हो, जीएसटी का काम कर रहे हो, अकाउंट्स का काम कर रहे हो, फाइनेंशियल एडवाइजरी दे रहे हो, कॉम्प्लायंस का काम कर रहे हो, समझ रहे हैं सर? आज ही एक जॉब ऑफर था कंपनी सेक्रेटरी का, साइंस सिटी में 6 लाख का ऑफर दे रहा है फ्रेशर्स को। सर कोथा साइंस सिटी थे, जावी आगे कंप्लीट कर तापत जावी जिलों का 50,000 फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए खराब क्या है, कुछ कुछ आता पता नहीं है, 50,000 देगा, 2 साल काम करेगा, कुछ जानेगा, फिर ना सैलरी बढ़ेगा। इंटर्नशिप है तो थोड़ी देर, इंटर्नशिप है 800 से 1,000 देगा आपको, ये जॉब है। तो स्टीफन ने तो इंटर्नशिप, इंटर्नशिप है स्टाइपेंड, इंटर्नशिपটাও যদি খুব ভালো করে করে না তাও সে জবে ভালো স্যালারি বার্গেন করতে। इंटर्नशिप अच्छे से करना चाहिए, इंटर्नशिप करने से एक्चुअली तुमको मार्केट का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नॉलेज हो जाता है, और जैसे ही तुमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नॉलेज हो जाएगा फिर तुम एज ए फ्रेशर्स किसी जगह में 1 साल एटलीस्ट काम करो अच्छे से, और जो तुम फार्म में सीखे हो उस चीज को तुम वहां पर अप्लाई करो। वो कोई पैसा नहीं है, वो बस एक तसल्ली बस का, बस और मेट्रो का भाड़ा आ जाएगा, वो मेट्रो का जो कार्ड बनाते हैं उसका घर से निकल जाएगा, ठीक है। सीए तो सबसे के कॉम है, सबसे ज्यादा देते हैं सीएमए वाले 8,000, सबसे कम देते हैं, सबसे कम जो सीए आर्टिकल चीज, फिर भी तो पहले, फिर भी तो पहले 3,000 देता था सीए वाले पहले 3,000, हम लोग तो 1,000 में किए 1,000 में करते मंथली। हम लोग तो जब हम लोग करते थे इतना मतलब माइंड डिटोर ये होता है, डिमोटिवेट होता है, ठीक है। हम लोग जो लोग वहां पर जॉब करते हैं वो हमसे कम जाते हैं, फिर भी उनका सैलरी ज्यादा, हम लोग उनसे ज्यादा जानते थे फिर भी हम लोगों को वही दिया जाता था, ठीक है। ये सब लेके बहुत कंट्रोवर्सी होता है, बट इंस्टीट्यूट अपने धुन में चल बहुत कंट्रोवर्सी। उस दिन सीए इंस्टीट्यूट में इसको लाया गया था, वो बोर्ड का मालिक है ना, अमन गुप्ता, वो कुछ चार्टर्ड, ठीक है। तो वो थोड़ा टपोरी स्टाइल में रहता है, ठीक है। तो लेकिन अभी बोर्ड का ओनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब इंस्टीट्यूट ने भी एक अच्छा खेल खेला कि भाई इसको लाओ सीए का प्रमोशन होगा, ठीक है। तो लाया गया, तो अब उसको रोक पाना मुश्किल है, वो कुछ भी बकता है, वो कुछ भी बकता है, ठीक है। तो ये यूट्यूब में मिलेगा तुमको ये, ठीक है। वो डायरेक्टली बोला सीए का जो मेंबर फ्रेटर्निटी है इंस्टीट्यूट का, वो लोग उसका इंटरव्यू ले रहा है, पूछ कर रहे हैं कि आप क्या सोच क्या बोलते हो, तो उसने एक पॉइंट आया था कि उसने डायरेक्टली आर्टिकलशिप को लेके बात उठाया, ठीक है। बोले हम लोगों के टाइम पे 1,500 कुछ ऐसा चलता था, अभी कितना चल रहा है, ठीक है। 300 उसके, वो जब कर किया था उस टाइम पे 300 या 500 चलता था, ठीक है। तो वो डायरेक्टली पूछा अभी कितना चल रहा है, तो बोला कि अभी 3,000। तो बोलता है कि ये कोई बात है, आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसे इस तरह से कौन काम करेगा, लोग सीए इसीलिए छोड़ देता है, आप लोग इस तरह से मतलब, तो नौकर को भी लोग इससे ज्यादा देता है, कुछ तो इज्जत दो, ऐसे थोड़ी करता है कोई, सबके सामने मतलब पूरा फ्रेटर्निटी मतलब वहां पर मैंने पूरा मिनिस्ट्री के सामने बात चल रही है, सबके सामने बोल, ठीक है। फिर जो इंटरव्यू दे रहा था, अरे ठीक है दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, तो डिफरेंट टॉपिक बोल के उसको रोक रहा है, पर हमको तुम रोक नहीं सकते, हम बोलेगा, ठीक है। वो उसको रोकेगा कौन, उसको किस चीज का डर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद चार्टर्ड का काम छोड़ के, ठीक है, कुछ दिन काम किया फिर उसको पुसाया नहीं, फिर वो जो आज बोर्ड को बनाया वो पूरा मार्केटिंग एक्टिविटी से बनाया, वो चार्टर्ड का नॉलेज वो यूज कहाँ किया, हाँ चार्टर्ड उसको जो कॉन्फिडेंस दिया उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन वो जो बोर्ड बनाया तो प्योर मार्केटिंग, वो पहले इसमें काम करता था, वो जेबीएल में काम करता, जेबीएल में काम करते करते वो बिजनेस को समझा था कि जेबीएल किस तरह से मार्केट को प्रोडक्ट को बनाते हैं और मार्केट में बेचता है, फिर वो बोर्ड का जो प्रोडक्ट है वो पहले चाइना से सब फालतू का चीज को लाता था, फिर उसको ब्रांडिंग JBL बोलते कि ऑडियो सिस्टम को लोई को लो, हाँ 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 बोर्ड भी तो यही कर रहा,
अरे बोट पहले, अभी बोट इनबिल्ड इंडिया में बना रहा है। हाँ वही तो, ब्रांडिंग करके बेचता था। तो प्योर मार्केटिंग किया, कौन सा अकाउंट्स फिनेंस किया? आज आज अपने दिमाग लगा के आज वो कितना लोगों को अपने कंपनी में काम कराते हैं और कितना बड़ा मार्केट बनाया स्टार्टअप में। जितना स्टार्टअप बना है मॉडर्न डे में इंडिया में लास्ट 5-10 साल में, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बना है अमन गुप्ता का ये बोट, ये रिकॉर्ड। हाँ एक ऑब्वियस बात है सर, देखो सीए का पढ़ाई एक ऐसा पढ़ाई है, ये आंख बंद करके कोई भी बोलेगा कि अगर वो इस पढ़ाई का अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज को जो समझ लेगा ना, उसको जिंदगी में पीछे मोड़ के देखने का जरूरत नहीं। लेकिन इसके दो चीज, दो पढ़ाई करने के टाइम पे स्टूडेंट का दो तरह का मेंटेलिटी होता है। एक बंदा सोचता है भाई बहुत टफ चीज है, हमको किसी भी तरह से करना है, हमको बहुत अच्छा जॉब करना है और माँ बाप का नाम को रोशन करना है, अपना इज्जत को बढ़ाना है, ये एक मेंटेलिटी होता है। और एक तरह का लोग होता है जो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पढ़ता है, उतना ना तो आगे का सोचना ना तो पीछे का सोचना, यही लोग आगे जाके बहुत तेज कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ टारगेट बना रहे ना, अगर अब क्या होता है ज्यादातर लोग ज्यादा एम बना के चलता है, और एम बना के चलने से दिक्कत ये होता है कि अगर वो एम फुलफिल नहीं होता है आप डिमोटिवेट हो जाओ और फिर आप छोड़ दोगे, और जैसे आप छोड़ दोगे फिर आप फुल्ली डाइवर्ट हो जाओगे, आप आगे कहीं के नहीं बचोगे। इसलिए ज्यादा एम होना भी खतरनाक चीज है। एम का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एम लेस होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए अपने पर्टिकुलर पढ़ाई में, ना कि आप कितना बड़ा कंपनी में नौकरी करोगे। दिस शुड नॉट बी योर फोकस पॉइंट, योर फोकस पॉइंट शुड बी योर सब्जेक्ट कि आप सीख क्या रहे हैं। दोनों चीज में फर्क है। टू मच एम होना इसलिए खतरनाक होता है, इसलिए जब भी कुछ थोड़ा सा फेल हो गया, नंबर कम आ गया, बंदा डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ने के लिए सोच देता है हमसे नहीं हो पाएगा, दूसरा देखते हैं एमबीए कर लेते हैं, फिर कैट देंगे, कैट नहीं कोई भी एमबीए कॉलेज से कर लेते, पापा आप 7-8 लाख दे दो हम एमबीए करके, मेरा दोस्त अच्छा नौकरी कर रहा है हम करते, फिर 8-10 लाख का एमबीए कोलकाता से कर ले, नहीं नहीं हम दिल्ली में जाएंगे एमबीए करने, अच्छा ठीक है 10 लाख का एमबीए करेगा फिर 25,000 का नौकरी, तुम अगर 10 लाख का एमबीए ना भी करता तुम फिर भी 25,000 का नौकरी पाता। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम अगर 10 लाख का दिल्ली वाला एमबीए ना भी करता फिर भी तुम 25,000 का नौकरी कर लेता। तुम अगर नॉर्मल बीकॉम करके भी कोई भी कंपनी में 2 साल ऐसे ही घिसोगे ना, तुम्हारा सैलरी 50-45-50 में चला जाएगा, और तुम एमबीए करके डायरेक्ट जाओगे तो मे बी 35-40 से स्टार्ट कर, लेकिन तुमने इन्वेस्ट कितना किया। तुम बीकॉम करोगे कोलकाता में कोई भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करोगे 3,500-4,000-5,000 सरकारी में लगता है। नहीं नहीं नॉर्मल बीकॉम का बात कर रहा हूँ, नहीं मैं नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ कि मानो तुम नॉर्मल बीकॉम कर रहे हो, उसके बाद तुम अगर तुमको नौकरी करना है, तुम बीकॉम करने के बाद कहीं पर भी टीसीएस विप्रो इस तरह का देता है ना नौकरी, वहां पर तुमको अगर अकाउंट्स का नॉलेज है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो तुम जाओ 2-3-4 साल अपने आपको घसो, ठीक है, तुम देखना कहां से तुम्हारा क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, तुम 40-45 ऐसे भी कमाना चाहो। लेकिन कुछ लोग क्या करता है एमबीए करने के लिए 10-15 लाख खर्चा करता है फिर आके 45,000 का नौकरी करता है। फिर भी थोड़ा सम्मान में बता रहा हूँ, थोड़ा सम्मान में बता रहा हूँ, ठीक है जो अच्छा। तो फिर अच्छा कॉमर्स के बारे में एक बात मुझे कहना था, ट्रेड माने बाई से, मैन्युफैक्चर माने प्रोडक्शन करना, कॉमर्स बिजनेस का। आप लोग कॉमर्स पढ़ के आए, सब कॉमर्स पढ़ते, कोई नहीं बोलता मैं ट्रेड पढ़ता हूँ, कोई नहीं बोलता मैं मैन्युफैक्चर पढ़ता हूँ, सब बोलते मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, लेकिन सभी बिजनेस का पार्ट है। मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलो अब आदि योगी को अभी बंद कर, शिव भगवान को तो मैं रोज सुबह सुनता हूँ, ऐसा बात नहीं है, सुबह उठते ही मैं शिव जी का कोई एक चालू कर देता हूँ। कुछ खरीदना नहीं है रे बाबा, देखो क्या लेना है, टीवी कैमरा, अरे छोड़ो यार, तुम देखो जिस कंपनी ने इसको प्रोडक्शन किया वो भी बिजनेस करने के लिए मैन्युफैक्चर किया,
जो बंदा इसको बाई सेल करेगा उसके लिए देखो यहाँ पर सेलर बना हुआ है। सेलर कौन है? रिटेल नेट बोल के कोई कंपनी जो सेलर है, जो एक्चुअली फ्लिपकार्ट के माध्यम से ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कोई भी कर सकता है, कोई भी सेलर बन सकता है, तो वो ट्रेडर है। ठीक है, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट भी एक तरह का ट्रेडर ही है, वो मीडिएटर है, मीडिएटिंग प्लेटफॉर्म है। इसको ट्रेडर भी, ये बेसिकली सर्विस प्लेटफॉर्म देता है। फ्लिपकार्ट एक्चुअली कॉमर्स का काम करता है, इसलिए ऐसे कंपनीज को ई कॉमर्स कहा जाता है। नहीं समझे? ना तो ये कैमरा फ्लिपकार्ट ने बनाया, ना तो ये फ्लिप कैमरा का ओनर फ्लिपकार्ट है। कोई भी एक भी काम फ्लिपकार्ट का नहीं है, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट का है जिसके थ्रू से ये प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं बेसिकली बिजनेस को। जो बात अभी नील बोल रहा था कि कस्टमर को बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करने का जो फंक्शन है उसे कॉमर्स कहते हैं। और कस्टमर को बिजनेस से कम्युनिकेट करने, वेरी गुड नील, कस्टमर को बिजनेस से कम्युनिकेट करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे मानो कॉमर्स और क्या चीज आ सकता है, जैसे मानो अगर ये फोन या जो भी चीज आप देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, कैमरा। अब ये कैमरा, ये कैमरा का अगर वारंटी नहीं होगा, कभी खरीदोगे इसको? लेकिन तो ये वारंटी भी एक तरह का कॉमर्स है। ये मार्केटिंग के अंदर ही आ गया, बनाने से लेके बेचने के बाद तक इसको मार्केटिंग है। ये पूरा चीज, जैसे यहाँ पर बोला है कि 7 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये सारा चीज अल्टीमेटली नहीं रहेगा तो शायद इसका सेल ही ना। ठीक है, ये सारा चीज एक्चुअली कॉमर्स है। मैंने जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का सेल करने का, कितना भी अच्छा कैमरा हो अगर वारंटी नहीं देगा, जैसे यहाँ पर देखो 2 ईयर वारंटी, इसी को देख के आप खरीदोगे। अगर यहाँ पर ये 2 ईयर वारंटी काटते तो ये बिकेगा ही, कौन खरीदेगा 1.5 लाख का एक कैमरा बिना वारंटी का? बोलो आप, इसमें अगर कम से कम 1 साल का भी वारंटी देता है तो जाके बंदा खरीद सकता है, हाँ या ना? तो ये सब कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स एक्चुअली पूरा बिजनेस एक्टिविटी को पूरा करता है। चाहे आप कितना भी अच्छा मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप कितना भी अच्छा बाई सेल करो, बाई तो कोई भी कर लेगा, सेल भी कोई भी कर देगा, लेकिन अगर कॉमर्स ना हो तो पूरा खेल ही बिगड़ता है। इसीलिए ओवरऑल एक्टिविटी को कॉमर्स कहा जाता है। यस, कॉमर्स पढ़ के इतना बड़े हो गया, कॉमर्स का ही पता नहीं कॉमर्स क्या चीज। हाँ सर, मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, आईएससी बोर्ड उठाया थे कॉमर्स। ठीक है, लोग कॉमर्स ही तो बोलते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ा एससी में, लोग 11-12 में पढ़ता है, कॉलेज में बीकॉम कर लेते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, लेकिन है क्या चीज कॉमर्स किसी को नहीं पूछना। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, रास्ते में जाते जाते वीडियो भी बना, ठीक है? कॉमर्स का मतलब अच्छा, चलो ठीक है, समझ गया सर, थोड़ा बता दिया, ये सब बात भी जानना जरूरी है। फन एलिमेंट है, बीच बीच का काम का भी है। तो एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एटसेट्रा, इवन इफ देयर इज नो पिक्यूनरी बेनिफिट, वो भी बिजनेस है। एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी टू इट, कोई भी एक्टिविटी जो मेन बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, इंसिडेंटल माने उसके बाद भी जरूरी है या उसके साथ भी जरूरी, ठीक है, तो उस चीज को भी बिजनेस करेंगे। जैसे माने जो वारंटी एक्टिविटी, जो मेन प्रोडक्ट को बेचने के टाइम पे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बाद में खराब होगा तो क्या होगा, ये एक एंसिलरी या इंसिडेंटल एक्टिविटी हो गई, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर काम हो ही ना, कंटिन्यूटी ना हो, माने वो चीज एक ही बार हो रहा है लेकिन बाद में कभी नहीं होगा, लेकिन बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी बिजनेस। सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस, वो भी बिजनेस है, इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट ऑफ और क्लोजर ऑफ द बिजनेस, माने बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे या बिजनेस को बंद करने के टाइम पे अगर कोई चीज हम सप्लाई कर रहे हैं या किसी चीज को अधिकार में ले रहे हैं, वो भी बिजनेस है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब, एसोसिएशन एटसेट्रा, महिंद्रा क्लब होता है ना, या साइंस सिटी में स्प्रिंग क्लब है, हाँ घूमने वाला क्लब जहां पर हाई फाई मेंबरशिप देना पड़ता है, वैकेशन छोड़ो नॉर्मल में, जैसे साइंस सिटी के सामने एक है, अच्छा वैसा क्लब बोल रहे हैं, एमिनिटीज वाला जो होता है सब कुछ रहता है, हां जिसमें सारा चीज है, कुछ भी घुमाने वाला, तो महिंद्रा क्लब भी घुमाने कहां पर है, स्पेस सर्कल क्लब है ना, हां क्लब, माने जहां पर मेंबरशिप अमाउंट देके
तुमको बहुत अच्छा अच्छा चीज फैसिलिटीज मिलता है। मिलता है वही चीज प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एंड एसोसिएशन एटसेट्रा, सॉरी ठीक है, टू इट्स मेंबर फॉर कंसीडरेशन, दैट इज आल्सो बिजनेस में आ जाता है, समझ में आ रहा है? लेकिन नहीं, नॉर्मली हर क्लब बिजनेस नहीं करता है, लेकिन अगर वो जैसे गोल्फ क्लब हाईफाई है ना, समझ रहे हो? तो जहां पर भी महंगा चीज है वो क्लब, तो क्या पड़ा का काली पूजा का क्लब क्या गवर्नमेंट जीएसटी मांगेगा? ऐसे बंगाल का नॉर्मली कहीं पर भी काली पूजा क्लब, दुर्गा पूजा क्लब होता है ना सुजीत बोस का दुर्गा पूजा क्लब का बात अलग है, ठीक है, मैं नॉर्मल बात कर। कॉम्प्लेक्स अच्छा, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, किसी जगह में एंटर करने में अगर तुमको कुछ बदले में कुछ देना पड़ रहा है, वो भी बिजनेस है। देखो जीएसटी है कि नहीं वो बाद में, मैं अभी बिजनेस बता रहा हूँ। जैसे मानो आप सिनेमा हॉल में एंटर कर रहे हो, दैट इज एडमिशन, कहीं कॉलेज स्कूल में एडमिशन कर रहे हो, एडमिशन, उसे भी बिजनेस के एंगल से देखा जाता है। सर्विसेज होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशंस, वो भी हो सकता है। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, रेस क्लब माने घोड़ दौड़ जहां होता है, जैसे कोलकाता में कोलकाता का रेस कोर्स है ना विक्टोरिया के साइड में, ठीक है, घोड़ा दौड़ का क्लब कोलकाता में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, कुछ गिने चुने शहरों में ही है, बड़े बड़े शहरों। बाई वे ऑफ टोटलाइजेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर, जो लोग घोड़ा में जॉकी में पैसा लगाता है ना, हाँ वही चीज, उसी को यहाँ पर टोटलाइजेटर बोलते हैं। लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर ऑफ इन सच क्लब, दैट इज ऑल्सो बिजनेस, ठीक है। एनी एक्टिविटी बाई गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज, सर गवर्नमेंट भी बिजनेस करता है, गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। जैसे कि मानो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी सॉल्ट लेक में बुक फेयर हुआ, ठीक है, कितना करोड़ का किताब बिका जानता है? 78 करोड़ का किताब बिका, सेवेंटी एट करोड़ का बुक्स बिक गया, ठीक है। अच्छा, वो जो एरिया में फेयर हुआ तो उसके लिए वहां का जो कॉर्पोरेशन एरिया है, विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो पैसा नहीं मिलेगा क्या? जो भी स्टॉल दे उनको, हाँ पैसा दे के स्टॉल लेना पड़ेगा, समझ गए? वो कौन कमाता है? वो म्यूनिसिपल कमाते हैं। अगर नहीं करेगा तो क्यों देगा? हाँ, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि ये भी तो बिजनेस है। ये जो बुक फेयर में जो बुक स्टॉल लगाते हैं, हाँ वो नॉर्मल बात है, बहुत महंगा है। पेंगुइन, पेंगुइन जो इंटरनेशनल पब्लिशिंग कंपनी है, वो भी तो स्टॉल देता है, ऑक्सफोर्ड आता है, ठीक है, तो समझ में ना सर, वही बात है। एनी एक्टिविटी बैच, जैसे ये तो शहर का हो गया, सिटी का हो गया, गांव साइड में भी तो गवर्नमेंट कमाता है, ये जो नहीं, मेला से उतना नहीं, मेला से कमाता है, बट मेला ठीक है छोड़ो उसको, उतना नहीं, मेन जो इनकम मैं बताता हूँ, ये जो शहर में घर बनता है, घर बनने के लिए बालू चाहिए होता है, ये बालू कहाँ से आता है? सैंड, सैंड, ये जो सैंड है ये गांव साइड में जो नदी होता है उस नदी से मिलता है, और उसको सैंड माइनिंग करना पड़ता है नदी से, तब जाके ये इतना बड़ा कोलकाता शहर हो या कोई भी शहर हो जहां पर घर बनता है, इतना बड़ा बड़ा फ्लैट बनता है, तो वो जो लोकल पंचायत होते हैं उस बालू का टेंडर देता है, फिर उस बालू के टेंडर से लाखों लाखों में वो खरीदना पड़ता है, 70 लाख 80 लाख दाम उठता है, बिडिंग होता है, फिर गवर्नमेंट जो भी सस्ता में देगा उसको देता है, सॉरी महंगा में देगा उसको देता है, सॉरी, ठीक है, इस तरह से पंचायत कमाता है। जहां वो तो जहां पर कोल माइंस है वो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम है गवर्नमेंट का, हीरा का माइन, गोल्ड का माइन, तेल का माइन, वो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम है, समझ में आ रहा है सर? कि गवर्नमेंट बहुत जगह से कमा सकता है और कमाता भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड बिजनेस क्या चीज है, ये बहुत ब्रॉड चीज है, इसलिए इस तरह से देना पड़ा। लोगों को समझ में, लोगों को लगता है दुकान खोल के बैठे के तो बिजनेस है, बिना दुकान खोले भी बिजनेस चलता है, जैसे कि गवर्नमेंट करता है, तो
तुम लोगों को ये बंगाल सरकार का जो इनकम होता है कहाँ से करता है? ये सब सरकारी प्रॉपर्टी से, ये सब इनकम तुमको दिखेगा नहीं, इसलिए नॉलेज को स्प्रेड करो तो दिखेगा सरकार कहाँ से कमाता है। बंगाल में जाओगे तो बंगाल का समझ जाओगे, दूसरे स्टेट में जाओगे तो दूसरे स्टेट का, राजस्थान में मार्बल का माइंस भर भरा पड़ा है चारों तरफ। अगर कभी जयपुर से उदयपुर की तरफ जाओगे, ठीक है, भीलवाड़ा होके जाओगे, पूरा आरावल्ली जोन है उसमें, गवर्नमेंट हर पूरा पूरा आरावल्ली को तो खत्म नहीं कर सकते। आरावल्ली माउंटेन रेंज जो हिमालय से भी पुराना है, ठीक है, अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा माइनिंग चल रहा है। अगर आरावल्ली नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश भी डेजर्ट बन जाएगा। वो जो थर रेगिस्तान है ना, वो रेगिस्तान पूरा इधर आ जाएगा, दिल्ली क्रॉस, दिल्ली पूरा रेगिस्तान हो जाएगा। हाँ, इसलिए इसलिए अभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो लोग ट्रीज को लेके काम करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ताकि इतना माइनिंग ना हो, और अगर माइनिंग हो रहा है तो वहां पर पेड़ लगाओ, जंगल बनाओ, नहीं तो पूरा रेगिस्तान हो जाएगा, पूरा दिल्ली रेगिस्तान हो जाएगा। ऐसे दिल्ली का ट्रेंड है रेगिस्तान का। दिल्ली में जाओगे ना तुमको ऐसा हरा हरा पत्ता वाला पेड़ नहीं दिखेगा, दिल्ली में सब ना कैक्टस टाइप का बड़ा बड़ा पेड़ दिखता है, बाबुल का पेड़, वो सब दिखेगा, ठीक है। ये सिर्फ चीज समझने लायक है, जो भी हो चलो, बोलना चालू करूंगा तो खत्म नहीं होता है। हाँ बोलते रहिए, 3-4 घंटा बैठ देखो, गए। द बिजनेस इंक्लूड, तो फिर क्या मतलब निकला? द बिजनेस इंक्लूड एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन विद इंसिडेंटल और एंसिलरी टू एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वैकेशन। अच्छा, वोकेशन भी, वोकेशन भी बिजनेस है क्या? हुआ सर, वोकेशन भी बिजनेस है। वोकेशन माने जैसे मानो आप में से कोई अच्छा एक्टिंग करता हो, एक्टिंग कभी प्रोफेशन नहीं होता, एक्टिंग को वोकेशन बोलते हैं, क्योंकि स्पेशल टैलेंट है, हर कोई नहीं कर सकता। यस, जो लोग अच्छा सिंगर बनता है वोकेशन, जो लोग अच्छा डांसर बनता है वोकेशन, बिकॉज हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, आर्टिस्ट भी वोकेशन। सर, बिजनेस को एडवेंचर भी कहा जाता है। सर, एडवेंचर क्यों कहा जाता है? सर, एडवेंचर मैंने आपको क्या लगा, संधा कपूर ट्रेक करना या फिर कैलाश माउंटेन ट्रेक करना, बंजी जंपिंग करना, आप लोग यही एडवेंचर समझते हो ना? नहीं, इस एडवेंचर को यहाँ पर बिजनेस नहीं कहा गया, यहाँ पर एडवेंचर माने बिजनेस का अनसर्टेनिटी को कहा गया। एडवेंचर मतलब बिजनेस, अनसर्टेनिटी मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिजनेस प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एडवेंचर। एग्जैक्ट, वेजर, बेटिंग, दैट इज आल्सो बिजनेस। ये जो क्रिकेट में करता है ना बेटिंग करता है, वो गलत है, स्टिल दैट्स अ बिजनेस, ठीक है, समझ गए? और एक बात समझ लेना, बिजनेस का एक चीज क्या होता है, अच्छा क्या बोलते हैं कि एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी इन एडिशन टू एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड इन एज पब्लिक अथॉरिटी शैल ऑल्सो कंसिडर्ड एज बिजनेस। ये आपको बता दें, फॉर एनी ट्रेड कॉमर्स और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी टू क्वालिफाई एज बिजनेस, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन और ऑब्टेनिंग पिक्यूनरी बेनिफिट फ्रॉम इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। माने बहुत इंटरेस्टिंग बात कह दिया, बोलता है कि नॉर्मली बिजनेस क्या होता है, फ्रीक्वेंट होना चाहिए, वॉल्यूम माने उसको, वॉल्यूम माने एक बड़ा रेंज में करना चाहिए, है ना, माने क्या अगर मैं एक मोबाइल लेके बेचूं तो क्या बिजनेस होगा? कम से कम 100 मोबाइल लेके बैठना पड़ेगा तो मोबाइल होगा, तो उसको वॉल्यूम बोल रहे ना। किसी को अगर ग्रोसरी दुकान लगाना है, 4 बिस्किट पैकेट लेके बैठ गया, थोड़ी ना होता है सर, है ना, एक ओवरऑल चीज लेके बैठना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। बिजनेस माने कंटिन्यूटी भी होता है, रेगुलर करो तो बिजनेस है, ऐसे थोड़ी है कि 1 महीना दुकान खोला 1 महीना बंद कर दी, लेकिन होगा, यही तो ट्विस्ट है। इतना ट्विस्ट नहीं, कारण है, देयर इज ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण है तभी तो बोला जा रहा है। फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस और ऑब्टेनिंग पिक्यूनरी बेनिफिट फ्रॉम इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट माने जरूरी नहीं है, नॉट ए प्री रिक्विजिट माने जरूरी नहीं है,
अगर कंटिन्यूअली ना हो, फ्रिक्वेंटली ना हो, रेगुलरली ना हो, तो भी बिजनेस हो सकता है। मानो जैसे मानो कि जो लोग सीजनल बिजनेस करता है, सीजनल बिजनेस जैसे मानो ये जो स्वेटर जैकेट का बिजनेस करते हैं भूटानी लोग, भूटानी लोग भूटान से आके कोलकाता के सड़क में दुकान देते हैं, तो ये साल भर में 2 महीने ही तो बिजनेस कर रहे हैं, तो कहाँ कंटिन्यूएशन है? तो क्या इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे? या फिर जो लोग खजूर का रस बेचता है, या खजूर का गुड़ बेचता है, या जो लोग मुआ बेचता है, जयनगर का मुआ कोलकाता में बड़ा मिलता है ना, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो साल में एक बार एक बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करता है, लाखों करोड़ों का कर सकता है, उसका बिजनेस का शायद उस तरह का ही प्रोडक्ट होगा, तो क्या उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे? इसलिए गवर्नमेंट ने ये बात लिख दिया। लॉ बहुत भयंकर चीज है, इसमें एक अगर एक पॉइंट मिस हो जाएगा तो पब्लिक गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेगा ना। अब दो चार एग्जाम्पल या केस देख लो, बात समझ में आ जाएगा। क्या इतना काहे डिमोरलाइज होता है? बिजनेस कर रहे ना, बिजनेस में डिमोटिवेट नहीं होते, इसलिए इंडिया का ये हालत है। देखो देखो सर, रिशभ बाइज ए कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड आफ्टर इयर्स सेल्स इट टू अ कार डीलर। सेल ऑफ कार बाई रिसेप्ट टू कार डीलर इज नॉट सप्लाई अंडर जीएसटी बिकॉज सेड सप्लाई इज नॉट मेड बाई रिसेप्ट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डीलर को वापस कार बेच देना वो रिसेप्ट का रेगुलर काम नहीं है, वो ये करता है, वो उसका बिजनेस नहीं है, फर्दरेंस नहीं है ना। दैट्स मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड अर्निंग्स टू आभूषण। क्या है? अच्छा, इयररिंग्स। मैं क्या बोला? ओ सॉरी, अच्छा, गोल्ड बैंगल्स एंड इयररिंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स। ठीक है, आभूषण मतलब वो ज्वेलर को ही आभूषण बोलते हैं। ये नहीं, ये प्योर हिंदी संस्कृत है, ये प्योर हिंदी। मैं यहाँ पे बहुत देखता हूँ वर्ड बना, इसलिए सब कनेक्टेड वर्ड है ना सर, बंगाली हिंदी कहाँ डिफरेंस का है, सब तो संस्कृत से है। आभूषण ज्वेलर्स, सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू ए ज्वेलर विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। कई बार हम लोग के घर के माँ बहन लोग जाते नहीं है दुकान में जाके कि भाई मेरा ये पुराना सोना लो और नया सोना दे दो, और जो भी बीच का डिफरेंस होगा वो आप ले लो या मेरे को दे दो। यार सेल भी तो कर देते हैं उसमें भी तो हाँ, डायरेक्ट। करता है ना वही चीज। तो सेम कैन नॉट बी सेड टू बी अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इसमें भी जीएसटी नहीं आएगा। आप लोगों को एग्जाम में इस तरह का कुछ भी ट्रांजैक्शंस देके पूछ सकते हैं कि ये बिजनेस जीएसटी में लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता, समझ रहे हो सर? तो अगर आपको समझ में नहीं है तो आप क्या लिख के आओगे? हाँ, जीएसटी होगा। ठीक है, छोटा छोटा चीज है, मुश्किल में डाल देता है। तो सिंस बिजनेस इंक्लूड वोकेशन देयर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज ए वोकेशन इज ऑल्सो सप्लाई अंडर जीएसटी। सुंदरम आचार्य एक फेमस एक्टर है, पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। ठीक है, The consideration from such sale is to be donated to a charitable trust. ठीक है, काइंड ह्यूमन नाम दिया, काइंड ह्यूमन नाम दिया। अरे इसीलिए इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने ये सब एग्जाम्पल दिया है। द सेल ऑफ पेंटिंग्स बाई एक्टर क्वालिफाई एज सप्लाई एज इट इज मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं पहले ही सदगुरु वाला, कोयम्बटूर वाला, आदियोगी वाला एग्जाम्पल दे दिया था, सलमान खान वाला एग्जाम्पल दे दिया। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय क्लब एसोसिएशंस, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे कम्युनिटी में होते हैं, प्रोवाइड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेसिडेंट्स इन लीव ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। मैंने क्या होता है कई बार, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, जो मानो एक सोसाइटी में कम से कम 100 फ्लैट है, अब सारे फ्लैट का इलेक्ट्रिसिटी बिल सबके लिए टाइम नहीं है वो जमा करने का, तो सोसाइटी ने क्या किया, एक पर्टिकुलर लोगों को रखा, ठीक है, जो सोसाइटी को चलाता है या टेक केयर करता है, उनको बोला कि सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल सोसाइटी दे देगा, बदले में 10% करके एक्स्ट्रा लेगा या 20% करके एक्स्ट्रा लेगा। इस तरह का होता है ना, तो अगर 100 फैमिली भी है और अगर 20 रुपीज करके भी होता है तो मंथली एक इनकम हो जाता है, 20,000 हो गया। ठीक है, तो ये
तो प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय ए क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. अगर ये बिजनेस है तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको जीएसटी के अंदर डाल सकता है. सर मैंने तो नॉर्मल सोसाइटी वाला बात किया, लेकिन अगर यही चीज थोड़ा करोड़पति वाला सोसाइटी हो तो. लेकिन जैसे मैंने क्लब महिंद्रा या स्प्रिंग क्लब वाला क्लब हो तो ठीक है, तो बड़ा बड़ा केस में गवर्नमेंट उसको छोड़ता नहीं. एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, जैसे सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क considered as supply as these are service by way of admission of person to any premises for a consideration. तो park के ticket में, amusement park के ticket में GST लेता है ना, बस इसी कारण से लेता है. तो ऐसे ही नहीं ले सकता, कुछ तो rule होना चाहिए. तेरे बोलते हैं expand act है ना, water park कोई जगह ना गान हो है और ना कोई light चले और water कोठा है expand हाँ अच्छा ওখানে ঢুকলে কি জিএসটি দিতে হয় না? সেটা আমি জানি না, আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বোধ হয় জানেন. না না আমি এসপ্ল্যানেডেটাতে কখনো যাইনি, আমি এমনি খুব একটা এইসব যাই না. তবে যেমন ধর অ্যাকোয়াটিকা এখানে আছে না সব থেকে বড়, তো অ্যাকোয়াটিকাতে তো জিএসটি লাগে ভাই আরামসে. নিকো পার্ক মে ভি জিএসটি লাগতা হ্যায়, বড়া বড়া তো নাম তো মুঝে পতা হ্যায়, নিকো পার্ক অ্যাকোয়াটিকা মে লাগতা হ্যায়. মে ইন্ডিয়া কা সবসে বড়া এক जाना पड़ेगा वेस्टर्न मुंबई में है. मेरा भाईंदर बोल के क्या बोलते हैं, एक स्टेशन पड़ता है उसका नाम है विरार बोल के, विरार मीरा रोड भाईंदर, भाईंदर के बाद वो एक थोड़ा सा हाँ पलट तो इधर हो गया, मेन सेंट्रल की तरफ हो गया. तुमको मीरा रोड की तरफ जाना पड़ेगा, मीरा रोड होके भाईंदर होके क्रॉस करके जाना है, फिर उधर से एक रास्ता थोड़ा सा वो पहाड़ी और जंगल की तरफ जा रहा है. वहाँ ऑटो मिलता है या प्राइवेट कार मिलता है जो एकदम आउटस्कर्ट्स है शहर से, वहां पर बना हुआ. एक तरफ वाटर किंगडम है और एक तरफ वेसल वर्ल्ड है. अंदर जाओगे ना पूरा दिन खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. निक ऊपर उसके सामने कुछ नहीं है. एक्चुअली कोलकाता में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना हुआ नहीं, एक इको पार्क को छोड़ के जो ममता दीदी ने बनाया. इको पार्क अभी इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है. इंडिया हाँ, तो इको पार्क में मस्ती मस्ती में चला जाता है, मस्ती घूमने. इको पार्क में सबसे बड़ा पार्क है, मतलब शहर के अंदर जिस तरह से इस पार्क को बनाया गया, इतना बड़ा पार्क पूरा इंडिया में और नहीं है. मतलब एक नॉर्मल जो गार्डन पार्क टाइप का जो पार्क होता है, इतना बड़ा इंडिया, इको पार्क इंडिया का सबसे बड़ा है. अगर कोई पर भी कुछ दूसरा जगह में बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन तुम लोग इको पार्क का रैंकिंग देख सकते हो गूगल सर्च के. क्रेडिट गोज टू ममता दीदी. नहीं, ममता दीदी कुछ किया ना किया, वो एक चीज किया है, हर जगह में पार्क बनाना टूरिज्म एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए. पहले गवर्नमेंट से काफी काम किया होता है. मेट्रो का काम बंद है दो तीन कारण से. एक में होता गोल बाजार में बिल्डिंग गिर गया है, उसके कारण बंद है. उसमें कुछ नहीं किया जा सकता जब तक वो बिल्डिंग का सिचुएशन ठीक ना हो. और दूसरा हावड़ा के गंगा नदी के नीचे से जो लाइन बना है वो बन चुका है, लेकिन कुछ सेफ्टी इश्यूज है जो इंटरनेशनल मैटर है. ये अभी पूरा फोकस इधर है, सॉल्ट लेक वाला जब तक चालू नहीं होगा तब तक बाकी प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं दे सकते. मतलब जो एयरपोर्ट टू सॉल्ट लेक कनेक्ट करेगा वो अभी पूरा रोड चल रहा है, लीटा उस पे मिल ठीक है, अभी फोकस है. नहीं, काम चल रहा है. मेट्रो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा प्रोजेक्ट है, ये तो ममता दीदी का प्रोजेक्ट है. प्रॉब्लम ये है कि जहां जहां कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो ये ठीक नहीं. आरबीआई हैंडल करता है.
रॉयल टर्फ रेस क्लब एंगेज इन फैसिलिटेटिंग इन वेजरिंग और बेटिंग ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्स हॉर्स रेस जो होता है फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग वेजरिंग ट्रांजैक्शन वेजरिंग क्यों वेजरिंग माने स्पेकुलेशन मतलब अगर आज विराट कोहली रन बनाएगा सेंचुरी बनाएगा तो 10 मेरे को पैसा देगा अगर हाँ इसी को सट्टा को भी बोलते हैं अगर विराट सेंचुरी करेगा हाँ हाँ वही अगर विराट सेंचुरी करेगा तो मैं पैसा वो मेरे को पैसा देगा अगर नहीं करेगा तो मैं दूंगी दिस इज अ वेजरिंग ठीक है वेजरिंग बहुत तरह का होता है जैसे मानो नॉर्मल भी वेजरिंग कर सकते हो जैसे मानो बारिश के टाइम पे बोल आज बारिश होगा कि नहीं होगा हाँ जो लोग वेजरिंग करते हैं ऐसे वेजरिंग करता है बारिश हुआ तो तुम देना नहीं हुआ तो मैं दूंगा सूरज उठेगा कि नहीं उठेगा इसमें भी वेजरिंग करता है नहीं कभी कभी क्लाउड होना से नहीं उठता है ना ठीक है तो इस तरह का लोग वेजरिंग करता है ऐसे तो ये सब काम इलीगल है पर जहां पर वो लीगली चलता है जैसे कि हॉर्स रेस वाला लीगली चलता है तो वो सब में भी हाँ गैम्बलिंग हुई सेट सर्विस अमाउंट टू सप्लाई एज द एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब्स आर इंक्लूडेड इन देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस कोड्स ऑफ फर्दरिंग्स ऑफ बिजनेस रूल इज दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन ये मैं बाद में बताता हूँ जो भी हो आप लोग केस को समझ पा रहे हो ना सर ठीक है तो नेक्स्ट दिन ये चीज भी बोलूंगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में ठीक है आज थोड़ा देरी हो गया क्लास स्टार्ट करने नहीं तो ये पॉइंट मुझे कंप्लीट करवाना था जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे कि ये बोला गया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ध्यान से सुनना हम लोग कभी क्या पढ़े कि बिजनेस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए नहीं तो वो सप्लाई काउंट नहीं होता है लेकिन जब आप कोई सर्विस फॉरेन से लेते हो तो इंपोर्ट करते हो लेकिन आपको बिजनेस नहीं करना है फिर भी गवर्नमेंट आपसे जीएसटी मांगता है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज इंपोर्ट ड्यूटी तो मांगेगा ही साथ में जीएसटी भी मांगे हाँ कस्टम ड्यूटी के अंदर जीएसटी मांगे ठीक है ये देखो महंगा गाड़ी इंपोर्ट करा रहे हैं बाहर से अपने लिए हाँ हाँ महंगा गाड़ी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जीएसटी लेगा जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है रमैया ए प्रोपराइटर एक नॉर्मल बिजनेसमैन has received the architect service for his personal residence अपने घर के लिए कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेसमैन है लेकिन अपने घर के लिए एक आर्किटेक्ट का सर्विस ले रहा है जो आर्किटेक्ट लोकेटेड है जो आर्किटेक्ट लोकेटेड है न्यूयॉर्क में कहाँ पर है न्यूयॉर्क में एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000 द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाई रमैया इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी दो इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लेकिन ये बिजनेस के लिए नहीं था फिर भी गवर्नमेंट इसको सप्लाई मानेगा और इसमें जीएसटी लगा ये एक्सेप्शन है याद रखना वीवीआईपी पॉइंट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 याद रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब बाकी सब पॉइंट में तो समझ में आ रहा था बट ये नॉर्मली लोग समझेगा नहीं तो ये सब चीजों को समझना ठीक है पहले लिखा दिया था ना आज समझा भी दिया उस टाइम पे समझाया नहीं था ज्यादा आज समझा भी दिया डीम्ड सप्लाई ठीक है नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे शेड्यूल 1 ठीक है नेक्स्ट दिन वो जो शेड्यूल 1 2 3 का पूरा एग्जांपल भर के कंप्लीट कराएंगे और नेक्स्ट दिन डिस्टर्ब मत कर ठीक है आज आप नहीं करेंगे देरी बताएंगे ठीक है सर ओके अभिजीत yes, कोनी का है सर एक तो आपको वो कस्टम से मतलब जीएसटी अरे हो जाए वैसे इतना होता है जी इंडायरेक्ट ठीक है सर बाय हमको का टैक्स का थोड़ा मोटा बुला थैंक यू सर ठीक है सर बाय सर गुड नाइट सर